गौरेला पेनड्राइव मरवाही को जिला बने 2.5 साल हो गए हैं, जहां 3 कलेक्टर, 3 SP, 3 परियोजना प्रशासक तक बदल चुके हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कई सालों से शिक्षा विभाग के शिक्षक बाल बालिकाओं के छात्रावास में काम कर रहे हैं। शिक्षकों को उनके काम से हटाकर प्रशासन हॉस्टल अधीक्षक के पद पर नियोजित किया गया है। 10-15 सालों से एक शिक्षक एक ही हॉस्टल में लगातार कार्यरत है। ना तो किसी तरह का रोस्टर सिस्टम है और ना ही शाला में भेजा जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ रहा है। जब बच्चों से स्थिति जानने की कोशिश की गई तो पता चला कि अधीक्षक के पद पर पदस्थ शिक्षक अपने कार्य को छोड़कर राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों में लिप्त हैं। कौन सी क्लास से हो? 8। स्कूल में क्या क्या समस्याएं आपको नजर आती है? क्या समस्या शिक्षक पढ़ाई में कोई स्तर में आपको कमी नजर आती है? जी। क्या कमी? यहाँ टीचर नहीं होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाता। कौन कौन से विषय की पढ़ाई आप नहीं कर पा रहे? सामाजिक विज्ञान और हिंदी का। तो चाहते हैं कि शिक्षक यहाँ पे पदस्थ हों? जी। नहीं आता तो कैसे पढ़ते हैं? फिर दो विषय कैसे पढ़ते हैं आप लोग? अपने से पढ़ते हैं और नहीं बनता सर से पूछते हैं। और क्या कोई समस्या है आपको? जी। क्या समस्या है? यहाँ का भोजन अच्छे से नहीं बनता। सीमा। कौन सी क्लास से हो? 8वीं। यहाँ पढ़ाई कैसे हो रही है? अच्छे से हो रहा है। अच्छे से हो रहा है। कितने टीचर हैं यहाँ पर? 2। और कौन कौन सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है? 4 विषय। क्या क्या है विषय? इंग्लिश है, संस्कृत, विज्ञान और गणित। और कौन कौन से विषय की पढ़ाई नहीं हो पा रही है? सामाजिक विज्ञान और हिंदी। क्यों नहीं हो पा रही है? यहाँ टीचर कमी है इसलिए। तो कभी आप लोगों ने बोला नहीं कि टीचर की कमी है? कभी टीचर की कमी महसूस नहीं हुई आप लोग को? हुआ है। तो कभी आप लोगों ने बोला नहीं किसी से? बोले हैं। हॉस्टल अधीक्षकों के बारे में ये भी चर्चा है कि हॉस्टल में होने वाले खर्चों का काफी बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जानकारी के अनुसार वर्तमान प्रमोशन प्रक्रिया में 15 हॉस्टल अधीक्षक का प्रमोशन मूल शाला में हेडमास्टर के पद के लिए हुआ है, लेकिन नियम के मुताबिक हेडमास्टर को किसी अन्य संस्थान में अटैचमेंट प्रतिनियुक्ति पर नहीं रखा जा सकता है। लेकिन फिर भी PEO ने 15 शिक्षकों को NOC देकर हॉस्टल अधीक्षक के पद में जैसे के तैसे रखा है। देखिए, जो आश्रम छात्रावास हैं वो AC ट्राइबल के अधीन आते हैं, और चूंकि वहाँ अधीक्षक का पद फिलअप नहीं है, उसके कारण उनके मांग प्रस्ताव पे विभाग द्वारा शिक्षकों की सेवा उनको उपलब्ध कराई गई है। जैसे ही अधीक्षक वहाँ नियुक्त होंगे, सारे टीचर अपने मूल संस्था को वापस हो जाएंगे। सर, कई ऐसे मामले भी कहे, जैसे कुछ जगह हम लोगों ने भ्रमण किया, कई उनके ऊपर कई मामले भी पंजीबद्ध है, शिकायतें भी हैं, तो क्या कभी उनकी रोकथाम की जांच करवाई गई? वो अलग मुद्दा है, हमने शिक्षकों को सौंप दिया है, अब उस पर नियंत्रण, वो सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं, इनको रोकना सहायक आयुक्त महोदय उसमें बता सकते हैं। जांच में अधीक्षक तुलसीदास महिलांगे और अजीत लहरी इसी व्यवस्था के 2 बड़े खिलाड़ी हैं। तुलसीदास महिलांगे की मूल शाला अमारू है एवं वर्तमान में गुरुकुल खेल परिसर में हॉस्टल अधीक्षक के रूप में है। वही अजीत लहरी का मूल शाला बड़ा वनडाट है, लेकिन वर्तमान में एकलव्य आदिवासी छात्रावास लाटा में हॉस्टल अधीक्षक के तौर पर कार्य कर रहे हैं। दोनों ही शिक्षकों का हॉस्टल अधीक्षकी का रिकॉर्ड दागदार और विवादित रहा है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामले में उच्च अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इन दोनों अधीक्षकों के बारे में सवालों के गोलमोल जवाब दिए। चेंज किया जाएगा आपके रहते सर? नहीं, अभी हमने कुछ अधीक्षकों को चेंज किया है और अभी निकट भविष्य में हम कुछ और अधीक्षकों को चेंज करेंगे। जिनकी कार्यप्रणाली संतोषजनक या अच्छी नहीं है, उन अधीक्षकों को हम निश्चित तौर पर हटा के उनकी मूल संस्था में भेजेंगे। सर, कई बार शिकायतें भी आती है, ऐसी चर्चाएं भी होती हैं कि वो दावा भी कई कुछ लोग करते हैं कि AC ऑफिस को हम चलाते हैं, ऐसा आरोप भी लगाते हैं, तो उसमें कितना आपको पैसा कोई मामला संज्ञान में? कार्यालय चलाने का जहाँ तक प्रश्न है, वो तो कार्यालय प्रमुख का दायित्व होता है कि शासकीय योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन करें। आपको बता दें कि कुछ माह पहले ही आदिम जाति कल्याण आयुक्त शम्मी आबिदी ने संज्ञान लेकर भ्रष्टाचार में लिप्त शिवशंकर सिंह पैकरा अधीक्षक एकलव्य शाला नेवसा से हटाकर मूल शाला भेज दिया था, लेकिन अधीक्षकी के खेल में नुकसान बच्चों को हो रहा है, जिसको लेकर जिम्मेदारों को ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब केसरी TV के लिए गौरेला पेंड्रा मरवाही से अभिषेक गुप्ता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।